अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होगी, अच्छे होगे। अल्लाह आप सबकी परेशानियां दूर करे, आप सबकी मुश्किलें खत्म करो, आमीन सुम्मा आमीन। सो आज का मतलब लोग वक्त का है, मैं आपको बता दूं। सो कल मैंने बनाई थी बीफ प्लेटर्स, उसकी रेसिपी मैंने डाली हूँ वो आप लोग चेक करना। और मैंने बनाई थी कॉफ़ी स्क्रब और फेस मास्क ऑरेंज पील का, वो भी है, वो भी मैंने लोग में बनाई हूँ, मैंने खुद पे ही यूज़ करी थी जब मैं हमेशा वही करती हूँ। सो आप लोग को मैंने इसमें भी ये उसका मास्क कैसा बनाना है वो भी बताई हूँ। और हाँ, मेन थिंग मैंने ये लॉग आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सूर्य रहमान के बारे में बताई हूँ। मुझे किसी से मालूम पड़ा था सूर्य रहमान का, मेरे सिस्टर से, उनको भी किसी से पता चला था, लेकिन माशाल्लाह एक रेमेडी के हिसाब से सूर्य रहमान में तो हमेशा के लिए फ़ायदा, वो तो जो अल्लाह ताला की दुआएं, हर चीज़ हर आयत में फ़ायदा ही है माशाल्लाह, हर चीज़ में, वो तो बोल ही नहीं सकते। लेकिन जो ये सूर्य रहमान मैंने आप लोग को बताई हूँ, जो जिनकी आवाज़ में सुनना है, ये एक रेमेडी के हिसाब से है बीमारी के लिए और डिप्रेशन के लिए और घर में कोई तकलीफ परेशानी उसके लिए। तो आप लोग ज़रूर सुनना और इंशाल्लाह इसको सुनना तो आप लोग को फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने भी किसी से सुनी थी, मुझे भी इतना मालूम नहीं था, मैंने भी किसी से सुनी, लेकिन माशाल्लाह मैंने शुरू करी हूँ तो मुझे ऐसा लगा फ़ायदा, इसके लिए मैंने आप लोग से भी शेयर करी। इंशाल्लाह आप लोग भी सुनो और आप लोग भी किसी से जो तकलीफ में है उन लोग के साथ शेयर करो, तो इंशाल्लाह उसका फ़ायदा हम सबको आएगा, उसका सबका सवाब हम सबको भी मिलेगा। ओके, डिप्रेशन के लिए बहुत सब चीज़ों के लिए अच्छा है, बीमारियों के लिए, डिप्रेशन के लिए, घर की तकलीफ के लिए, और आप हर चीज़ के लिए बहुत माशाल्लाह इसका वो है। सो इसकी लिंक मैं डाल दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं डालूंगी लिंक, तो उनकी आवाज़ में आप लोग सुनना इंशाल्लाह। और जैसा मैंने बताई हूँ वैसा मैंने लॉग में बताई हूँ आप लोग को, आप लोग ज़रूर देखिएगा ये लॉग पूरा, तो आप लोग मालूम पड़ेगा इंशाल्लाह। ओके, सो हमारा लॉग शुरू होता है अब। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना और ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। अभी मैं ये ऑरेंज पील का पाउडर बना रही हूँ, तो मुझे आप लोग बता दूँ, पहले इसका पाउडर बनाऊँगी फिर इसको छन्ने से छान के रखूँगी, आपको बताती हूँ। मैंने ये ऑरेंज को पीस ली, ऑरेंज जो मैंने सुखाई थी 3-4 दिन से, उसके छिलटे उसको पीस लिया अच्छे से, 1 वीक सुखाई थी, ये इसके सब कचरा निकला और ये पाउडर ये लिया, इसको पीस के मैंने इसमें छान ली, क्योंकि बारीक नहीं होता है मिक्सचर में, थोड़ा रह ही जाता है, तो मैं इसको छान ली। अभी मैं इसको ये ग्लास की बॉटल है उसमें बंद करके रख दूँगी, फ्रीज में रख सकते हैं आप, 6 महीना तक रख सकते हैं, इसको ख़राब नहीं होता, 3 महीना 6 महीना फ्रीज में आप स्टोर करके रख दूँ, नहीं तो कांच की बॉटल में मैं रख दूँगी तो मुझे ये चलेगा। ये मेरा इतना सारा पाउडर, ये तो बहुत चलेगा, 2-3 महीना चलेगा आराम से, क्योंकि वीक में 1 या 2 टाइम में लगाती हूँ, 1 टाइम सॉरी, ये तो मैं बहुत कम लगाती हूँ, लाइक मैं तो लगाती हूँ, आप लोग लगा सकते वीक में 1 टाइम, मैं तो इसको 15 डेज में 1 टाइम कभी ऐसा लगाती हूँ। अभी मेरा ऑरेंज सब जमा हो गया था तो मैंने पीस के मैं बोली बना लूँ, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा इसके लिए। अभी मैं बना रही हूँ कॉफ़ी का स्क्रब, तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये मैंने इसमें ली हूँ ये वाइट वाली 4 चम्मच कॉफ़ी, नेस कॉफ़ी। अभी इसमें मैं डालूँगी 4 चम्मच शुगर, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर नहीं है तो वाइट शुगर भी डाल सकते हैं, ये डालूँगी 4 चम्मच। और मैंने ये कोकोनट ऑयल ले ली हूँ, ये भी 4 चम्मच है, और ये वेनीला एक्सट्रैक्ट जो है, वेनीला एसेंस ज़र्रा से डालूँगी एकदम। ओके, सो अभी मैं कॉफ़ी के अंदर डाल रही हूँ 4 चम्मच शुगर, ये 4 चम्मच मैंने शुगर कॉफ़ी ली थी तो यही शुगर डाल दूँगी, 1, 2, 3 और 4, ये शुगर हो गई। अब मैं इसमें डालूँगी कोकोनट ऑयल, ये भी मैंने 4 स्पून ही ली हूँ, पहले थोड़ा थोड़ा करके डाल के मिक्स करूँगी फिर मैं आपको बताती हूँ। ये हो गई रेडी, अभी मैं इसको कांच की बोतल में भर के रख रही हूँ। हाँ, आप लोग के पास अगर कोई आप लोग जो स्किन पे लगाते हो एसेंशियल ऑयल होगा आपके पास, तो वो भी आप लोग इसमें ज़र्रा सी 2 ड्रॉप्स डाल सकते हो, 2 ड्रॉप्स डाल के मिक्स करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे पास एसेंशियल ऑयल कोई है ही नहीं तो मैं नहीं डाल रही हूँ, और नहीं भी डालोगे तो स्किप भी कर दोगे तो चलेगा। बस इसमें शुगर, कॉफ़ी और वेनीला एक्सट्रैक्ट ज़र्रा सी डाली हूँ, कोकोनट ऑयल, और ये हो गया रेडी। इसको मिक्स करके मैंने रख दी, मैं इसलिए बना के रख देती हूँ कि फिर एंड टाइम पे बनाना, इसके टाइम से बनाई नहीं थी तो बना के रेडी रहता है तो फिर करने वो नहीं रहता, भारी नहीं पड़ता। मैंने इसके पहले चॉकलेट स्क्रब बनाई थी, वो भी आप लोग को बताई थी। ओके, अब से कुछ भी कर सकते हो। ओके, और कॉफ़ी का ये स्क्रब का मैं बता रही थी आपको, अगर ये नहीं भी आप बनाए तो आपको एट ए टाइम करना है, डायरेक्टली करना है, तो आप कॉफ़ी में एलोवेरा जेल मिला के उससे भी स्क्रब कर सकते हो, उससे भी स्किन बहुत अच्छी और क्लीन होती है, कॉफ़ी की बहुत बेनिफिट है स्किन के लिए। ओके, तो अल्लाह हाफिज़ गाइस, फिर मैं जब इंशाल्लाह करूँगी तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी, अभी मैंने रेडी करके रख दी हूँ। तुम गाइस कैसे आप सब? आई होप आप सब खैर खैरियत से होगी, अल्लाह आप सबकी मुश्किलें खत्म करे, आप सबकी परेशानियाँ दूर करे और आप सबकी दिल की दुआएँ कबूल करे, आमीन सुब्हानअल्लाह। सो अभी कुकिंग टाइम, आज मैं क्या बना रही हूँ आप लोग को बताती हूँ, चलो
बना रही हूँ ये बीफ का गोश है, बोनलेस है, इसका मैं प्लेटर बना रही हूँ, बीफ मटन प्लेटर। सो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। इसमें मैंने मटन ले ली हूँ बीफ का बोनलेस, और अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने अभी पीसी थी तो इसमें खाली करी थी तो इसमें था, तो मैंने इसमें ही अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर ये डाल दी। और अब इसमें ये मैरिनेट करूँगी। दही है, ये तिक्का मसाला है, बिरिस्ता है, इसके अंदर है थोड़ा गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, हल्दी नहीं डालना है इसमें, ये सब मैं इसमें मैरिनेट करूँगी, फिर मैं आप लोग को बता दूँ आगे क्या करना है। अच्छा हाँ, सॉल्ट भी डालना है, सॉल्ट मैं भूल गई हूँ, अभी सॉल्ट डालूँगी। ओके फिर मैं आगे आपको मैरिनेट कर ली। अच्छा इसमें कोयले का बघार देते, मतलब अभी भी एक टाइम देने का कोयले का बघार, फिर बनने के बाद वापस, लेकिन मैं नहीं दूँगी क्योंकि मेरे पास अभी कोयला है नहीं और कोयला है नहीं बस। तो मैं ये थोड़ा इसमें बारबेक्यू सॉस डाल दूँगी तो इससे थोड़ा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। तो मैं कोयला नहीं डालूंगी, आप नहीं डालना है तो नहीं भी डाल सकते हो, लाइक बारबेक्यू सॉस होगा तो थोड़ा वो डाल दो, तो ज़रूरत नहीं है कोयले की। ओके मैंने इसमें सब डाल दी, प्याज दही वही जो भी मसाला था सब डाल दी इसमें। फिर मैं राइस का मैंने अभी निकाल ली, राइस में क्या डालना है। तो ये राइस मैंने भिगाई थी आधा घंटा, और इसमें जाएगा मतलब ऑयल में ऑनियन डाल करूँगी, इसके साथ किशमिश और कैरेट, और फिर ये सब गर्म मसाले डाल के राइस डाल दूँगी। अच्छा मसाले में क्या मैं आपको बता दूँ, ये है ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक, और ये सौंफ का पाउडर है, और ये मैगी क्यूब, बस यही डालने का और कुछ भी नहीं। मैं आपको पकाना शुरू करती हूँ तो बताती हूँ। ये मटन पड़ा है, अभी मैरिनेट हो गया ये एक घंटे से, आधा एक घंटा रखना, ज़्यादा नहीं हो रहा है, कोई अर्जेंट भी बनाना है तो आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैं ये भी चढ़ाती हूँ, फिर आपको मैं मिलती हूँ। राइस के लिए ऑनियन डाली, किशमिश डाली और कैरेट डाली, और ये तीनों को थोड़ा फ्राई करके, लाइक प्याज तो ज़्यादा डाल नहीं करना है, तो थोड़ा बहुत करना है छिलका गिर गया मेरे से, नहीं नहीं छिलका नहीं है वो किशमिश है, मुझे लगा छिलता है। और ये मैंने मटन भी ऑयल डाली, ऑयल गर्म करके उसमें मटन पूरा मैरिनेट किया था, डाल दी हूँ, अब इसको भी बनने छोड़ दूँगी। फिर मैं आपको आधा थोड़ा फ्राई हो गया प्याज गाजर और ये किशमिश, अब इसमें मैं सब मसाले डाल दूँगी, ये वाले नमक, सौंफ का पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा गर्म मसाला, और ये चिकन की मैंने इसमें मसाले भी सब डाल दी थी, इसके अंदर थोड़ा मसाला 2 मिनट फ्राई करके राइस डाल दी भीगे हुए जो थे, और पानी डाल दी, अभी मैं इसको पकने रख दूँगी। ओके आप इसमें वटाने भी डाल सकते हो, मैं अभी नहीं डाली हूँ वटाना, मैं डालूँगी थोड़ा क्योंकि मेरा फ्रोज़न है ना, इसके लिए मैं थोड़ा चावल का पानी सूख जाएगा जब डालूँगी, तो मैं आपको बता दूँ, उससे भी अच्छा लगता है, आपको डालना है तो डालो वरना मैं नहीं भी डालेगी तो चलेगा। मटन प्लेटर के लिए मैंने ये पटेटो को छिलके के साथ फ्राई कर ली क्यूब करके, ऊपर से डेकोरेशन कर ली, डेकोरेशन करूँगी इसमें आप लोग को बता दूँ, आप लोग फ्राइज भी करके डाल सकते हो, फ्रेंच फ्राइज जैसा ऐसा भी रख सकते हो, जो आपकी मर्जी है, बॉयल एग कर सकते हो। और ये इसका सलाद है, तो मैंने शिमला मिर्ची लंबी लंबी काटी, टमाटर काटी लंबा लंबा, और प्याज को राउंड राउंड काट के इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। ये सलाद भी रेडी, ये पटेटो भी रेडी हो गया, ये राइस भी रेडी हो गया है, अब सिर्फ ग्रेवी बाकी है। ओके आपको जैसा कभी कभी गोश्त का सालन खाने दिल नहीं होता है, कड़ी लाइक गोश्त चिकन का सालन खाने दिल नहीं होता, तो आप लोग ये बना सकते हैं, ये अच्छा लगता है, थोड़ा डिफरेंट लगता है। और ये सलाद आप चाहिए तो कच्चा भी रख सकते हो, मैंने तो इसी फ्राई करके थोड़ा सॉफ्ट होगा तो अच्छा लगेगा, और चाहिए तो आप इसमें कैबेज भी डाल सकते हो, कैरेट भी, जो आपको पसंद है वो आप सब डाल सकते हो सलाद में। तो जो मैंने राइस निकाल ली उसके ऊपर मैं ये डाली सलाद, अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ग्रेवी, फिर ये पटेटो डालूंगी। अच्छा ये सलाद का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, शिमला मिर्ची तो आपके सलाद में डालना ही, और ऐसे आप थोड़ा फ्राई करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, मेन ये राइस का पूरा टेस्ट ये सलाद पे। ओके मैं अब इसके ऊपर ग्रेवी डालती हूँ। ये हो गया रेडी हमारा मटन प्लेटर नहीं सॉरी बीफ प्लेटर है, ये रेडी हो गया। कभी ग्रेवी खाने का दिल नहीं हो तो आप लोग इसको ऐसा बनाएंगे तो अलग डिश दिखेगी थोड़ी। ओके ये मैंने राइस डाली उसके ऊपर सलाद डाली थी, फिर ग्रेवी डाली उसके ऊपर ये पटेटो फ्राई डाल दी, और चाहिए तो ऊपर से और सलाद आप डाल सकते हो। और ये मेरा कोक रिया, और आजकल मैंने जो वो बनाई थी स्क्रब बनाई थी आप लोगों को बताई थी, वो स्क्रब मैं कर रही हूँ अभी फेस पे, ये कॉफ़ी में के स्क्रब में मैंने थोड़ा सा वो डाल दी हूँ हनी, आपको डालना है तो हनी डाल सकते हो, नहीं भी डालना है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वाटर मिक्स कर लेने का, ये जो स्क्रब कल बनाई थी अभी मैं स्क्रब कर रही हूँ। इसके बाद ऑरेंज का पैक लगाऊंगी, मैं आपको बता दूँ। ओके सो मैंने थोड़ा फेस वेट कर ली हूँ, अब इसमें मैं स्क्रबिंग करूँगी, स्क्रबिंग ज़्यादा नहीं करना है, लाइक 2 से 3 मिनट ही करना रहता है, लास्ट टाइम मैंने करी थी जब राइस का करी थी मैंने आप लोग को बताई थी। ओके मैं ये करके फिर आप लोग को बता दूँ, अभी वॉश कर ली स्क्रब करके, अभी मैं पैक बना रही हूँ ऑरेंज का, मैं आप लोग को बता दूँ। सो ये मैंने ले ली हूँ एक बॉल, उसमें स्पून में अभी डालूंगी ऑरेंज का पील, और ये योगर्ट, और इसमें डालूंगी ओटमील पाउडर। पैक के लिए मैंने ले ली हूँ ऑरेंज पाउडर ली, हाफ टी स्पून मैंने ओटमील पाउडर ली, और टू टी स्पून योगर्ट ले ली,
1 टेबलस्पून सॉरी योगर्ट ले ली मैंने। ओके अभी इसको मैं पैक बना के फेस पे लगाऊंगी। और ये नहीं है आपके पास ओटमील पाउडर तो कोई वो नहीं है, आप इसमें ऑरेंज पील के पाउडर के अंदर दूध थोड़ा सा और थोड़ी सी हनी मिला के वो भी पैक लगा सकते हो, वो भी बहुत अच्छा होता है। मैं ये वाला लगा रही हूँ, मैं कभी वो लगाती हूँ कभी ये लगाती हूँ। ओके गाइस अभी मैं पैक लगा ली हूँ, अभी जब तक फेस ड्राई होएगा पैक मतलब लाइक पैक जो आएगा जब तक मेरा थोड़ा काम कर, मैंने फेस वॉश कर ली हूँ और सिर्फ मैंने मॉइस्चराइजर लगाने का, इसके बाद वॉश करने के बाद मैंने मॉइस्चराइजर नहीं था तो मैंने मेरा जो ऑरेंज पील का ऑयल है वो थोड़ा सा लगाई। वालेकुम गाइस कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैर खैर जिससे होगी, अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलें खत्म करे, आपकी सबकी परेशानी खत्म करे। ओके सो गाइस आज मैं आप लोग को एक दुआ बता रही थी तो वो दुआ के बारे में मुझे आप लोग को बताना था, तो मैं आप लोग को बता रही हूँ, मैंने भी किसी से सुनी हूँ लेकिन माशाल्लाह मैंने उसको शुरू करी तो मुझे अच्छा लगा, इसके लिए मैं बोली आप लोग से शेयर कर दूँ। तो सूरह रहमान के बारे में है ये, तो मैं बता रही थी कि जैसा इंसान घर में कभी अल्लाह ना करे किसी को कुछ बीमारी होती है, कुछ तकलीफ़ ज़्यादा है तो उन लोग को चाहिए ये, मीन्स लाइक एक रेमेडी है, 7 डेज़ की वो है कि 7 डेज़ इसको करना है, जैसा मैं आप लोग को बता रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोग करिए, अच्छा है, इससे बहुत माशाल्लाह फ़ायदा होगा, क्योंकि मुझे भी किसी से, मेरी सिस्टर से मालूम पड़ा, मेरी सिस्टर को भी किसी से पता चला, ये शेयर हुआ है किसी के साथ, किसी ने ये आजमाया अपने ऊपर, सो ये बहुत अच्छा है। आप लोग इंशाल्लाह करना, सूरह रहमान को 7 डेज़ पढ़ना है, जैसा कोई भी बीमारी है कोई भी ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप लोग को ऐसा करना है कि सूरह रहमान अब्दुल कारी अब्दुल बासित, उनकी लिंक मैं आपके नीचे में ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी तो आप लोग उनके लिंक पे जाके सुनना, उनकी आवाज़ में आपको सुनना है, ये बिना तर्जुमे के है। तो दिन में 3 टाइम लाइक सुबह में दोपहर में और रात को आप लोग को सुनना है ये पूरी, मतलब एकदम ध्यान से जैसा दिल से एकदम सुनना है, ऐसा नहीं कि बैकग्राउंड में चालू है, आपको ध्यान से दिल से एकदम सुनना है ये चीज़ सूरह रहमान को इंशाल्लाह उनकी आवाज़ में। और सुनने के बाद आधा गिलास पानी लेके आँख बंद करके आपको 3 टाइम ऐसा कर बोलना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसा मतलब 3 टाइम आपको बोल के वो पानी पी लेना है इंशाल्लाह। ये आपको 7 दिन करना है, सुबह दोपहर और रात, कोई भी बीमारी के लिए कोई भी मतलब परेशानी आपकी है जो बहुत टेंशन है बहुत तकलीफ़ है तो आपको ये 3 टाइम करना है सुबह में दोपहर में और रात, ठीक है। और अगर मतलब कोई कम तकलीफ़ है, जैसा इतनी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, कोई काम धंधे की ऐसी कोई तकलीफ़ है आपको, तो आप लोग ये 2 टाइम कर सकते हो, लाइक 2 टाइम सुबह में और रात को, वही सेम तरीका 7 डेज़ करना है, लेकिन 1 टाइम उनकी आवाज़ में सुन के फिर हो जाएगी वो जो सूरह रहमान, उसके बाद आधा गिलास पानी लेके उसमें 3 टाइम आँख बंद करके अल्लाह अल्लाह 3 टाइम बोल के आप लोग को पानी पी लेना है, ठीक है। और लेकिन आप लोग को ये सुनना एकदम दिल से है, लाइक पूरा ध्यान उधर होना चाहिए, सो इंशाल्लाह आप लोग को उससे फ़ायदा होगा। और अगर ऐसी घरेलू परेशानी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, लाइक ज़्यादा वो नहीं, घर में परेशानी रहती है, और अगर नहीं भी तो आप ये इंशाल्लाह सुने तो आपके घर की कोई भी तकलीफ, थोड़ी सी भी तकलीफ, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो घर की परेशानी तकलीफ अगर है आपको तो उसके लिए आप लोग को सिर्फ 1 टाइम रोज़ सुनना है, कोई भी टाइम में रोज़ 1 टाइम सुन के 7 दिन वैसी 7 डेज़ करना है और वैसी सेम पानी पीना है। लाइक मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी है तो आप लोग को 3 टाइम सुनना है, और से जैसा थोड़ी तकलीफ़ है परेशानी है तो 2 टाइम, और घर में ऐसी ही नॉर्मल भी आप 7 डेज सुन सकते हैं, लाइक मंथली में 7 डेज आप बांध लो तो हर महीना 7 डेज सुनो तो माशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा है। ये मैंने भी सुनी थी तो मैंने भी शुरू करी, मुझे माशाल्लाह 3 से 4 दिन हुआ, मैं 1 ही टाइम रोज़ सुनती हूँ, मतलब ऐसी मैंने आदत कर ली बच्चों की भी, ये बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और आप लोग ये सुनो और आप लोग ये शेयर भी करो तो आप